output of this program. In that case, we are initializing p by using null value, something null. C के केस में बात करें, C के अंदर null का meaning क्या रहता है generally? Zero. It is equivalent to initialized by zero. Some memory places or top location having address as zero, something two and so on, 100 and 98. ये सबसे पहले memory allocation किसके लिए perform होगा? Pointer variable p. P के केस में ऐसा null. Null is equivalent to zero. इस केस में p again उस location को point करेगा जिसका memory address zero है. इस अभी भी अगर बात करें तो जीरो और नल लोकेशन कैसा? अगेन अनरिजर्व्ड प्लेस, अगेन दिस वन इज अनरिजर्व्ड. इस केस में पॉइंटर पी का टाइप क्या है? स्टिल इस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर बिकॉज इट इज पॉइंटिंग अननोन लोकेशन. लेकिन ये अननोन लोकेशन कैसा? नॉन, सॉरी, इन लोकेशन कैसा? अनरिजर्व्ड, नॉट अ अननोन. क्यों? इस केस में श्योर है जीरो सन हुए, 100% पॉइंट किसको करेगा? जीरो को. और सी प्रोग्राम के केस में कभी भी कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट नहीं होता जिसके लिए जीरो एड्रेस एलोकेट हो, बिकॉज ये एड्रेस कैसा है? अनयूज्ड मेमोरी एड्रेस, नेवर एलोकेटेड फॉर एनी वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नल पॉइंटर्स. इन दैट केस स्टार पी केस में वैल्यू डिस्प्ले करा उस प्लेस पर अवेलेबल किया और समथिंग गार्बेज वैल्यू, इसलिए डिस्प्ले किया हुआ सम garbage value. Again, we should not dereference dangling pointers.